ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट वन वीडियो है यहाँ पर हम मसल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो मसल जो एक पूरा ऑर्गन है इसके अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं इन सब यूनिट्स को कहा जाता है फैसिकल्स ये है एक फैसिकल और एक फैसिकल के अंदर रहता है बहुत सारा मसल फाइबर और मसल सेल्स ये एक मसल फाइबर और मसल सेल है और एक मसल सेल के अंदर बहुत सारा मायोफाइब्रिल रहता है ये मायोफाइब्रिल किस चीज़ से बनता है चलिए जूम करके देखते हैं ये एक मायोफाइब्रिल है इसके अंदर बहुत तरह के प्रोटीन्स मौजूद रहते हैं यह है मायोफाइब्रिल का जी लाइन और जेड लाइन ये जेड लाइन बनता है एक प्रोटीन से जिसका नाम है अल्फा एक्टिनिन। दो जेड लाइन के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं सार्कोमियर ये एक यूनिट है यानि कि ये मसल का यूनिट है ऐसे ही सार्कोमियर पूरे के पूरे मायोफाइब्रिल में बार बार रिपीट होता रहता है इसीलिए इसे, इसे यूनिट कहा जाता है और ये जो ब्लैक कलर के फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक प्रोटीन है जिसका नाम ये एक प्रोटीन से बनता है जिसका नाम है एक्टिन प्रोटीन और इसे कहा जाता है थिन फिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट जो कि बना है एक्टिन प्रोटीन से यहाँ पर एक और फिलामेंट मौजूद रहता है दो थिन फिलामेंट्स के बीच में इसका नाम है थिक फिलामेंट जो तो यहाँ पर रेड में दिखाया गया है और थिक फिलामेंट बनता है जिस प्रोटीन से उसका नाम है मायोसिन प्रोटीन इसीलिए इसे मायोसिन फिलामेंट भी कहा जाता है तो ये है मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ थिक फिलामेंट ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो थिक फिलामेंट है यानी कि मायोसिन प्रोटीन है ये जेड लाइन यानी कि जी लाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है एक प्रोटीन के जरिए उसका नाम है टीटीन प्रोटीन अब थोड़ा सा इस थिन फिलामेंट फिलामेंट एंड थिक के डिटेल में देखते हैं। तो एक सर्कोमियर को मैंने यहां पे कट कर लिया है जो कि है दो जी लाइन यानी कि जेड लाइन के बीच का पोर्शन तो यही सर्कोमियर एक यूनिट है जो पूरे मसल में रिपीट होता है तो एक सर्कोमियर को देखते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर जो थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है यह है दो जेड लाइन यानी कि एक सर्कोमियर दो जेड लाइन के बीच में बना हुआ एक सर्कोमियर और ये जो फिलाेंट मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ यह है थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये है एक्टिन सब यूनिट थीन फिलामेंट का तीन पार्ट होता है एक है ये एक्टिन सब यूनिट्स और ये है दूसरा जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन जो यहाँ पे ग्रीन में दिखाया है ट्रोपोमायोसिन क्या करता है ट्रोपोमायोसिन इस एक्टिन सब यूनिट में जो बाइंडिंग साइट होता है यानी कि एक्टिन सब यूनिट मायोसिन थ्रेड के साथ फिलामेंट के साथ जहाँ से बाइंड करता है उसे कहा जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइट उसे ब्लॉक करके रखता है ट्रोपोमायोसिन और ये दूसरा स्ट्रक्चर है ट्रोपोनिन जो रेड में दिखाया है ये है कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑफ मसल यहां पर कैल्शियम आके बाइंड कर सकता है और कैल्शियम के बाइंड होने के बाद ही मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो ये था पूरा का पूरा एक्टिन फिलामेंट और थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर एक्टिन सब यूनिट ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन से बना हुआ अब नेक्स्ट आता है मायोसिन फिलामेंट यानी कि थिक फिलामेंट। ये एक मायोसिन फिलामेंट है जिसका दो हेड रहता है यहाँ पे दो बाइंडिंग साइट्स रहते हैं एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन के साथ बाइंड करता है और दूसरा है ए बाइंडिंग साइट जो ए के साथ बाइंड करता है ये मायोसिन uh, हेड्स इसके दोनों तरफ मौजूद रहते हैं और बहुत सारे मायोसिन फिलामेंट्स मिला के बनता है थिक फिलामेंट आप ये देख सकते हैं कि मायोसिन का हेड ऊपर पॉप अप कर रहा है तो ये है थिक फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए मसल का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने मसल स्ट्रक्चर के बारे में समझा नेक्स्ट वीडियो में हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है कैसे शुरू होता है और कैसे कैसे होता है वो समझेंगे So thank you so much. See you in the next video.